ओहो, अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? अरे बस शेख साहब, आता ही होगा। सलमान आप ही के काम के लिए गया हुआ है, बस पैसों का बंदोबस्त कर ले तो आ जाएगा। और वैसे अगर वाकई उसने पैसों का बंदोबस्त कर लिया तो? हाय, आप फिक्र ना करें, नहीं होगा बंदोबस्त। ये जहान कहाँ है, नजर नहीं आ रही। छोड़िए शेख साहब, आपके रवैये से दिल बर्दाश्ता हो के कमरे में बंद कर रखा है उसने खुद को। रो रो के बुरा हाल कर लिया, ना कुछ खाया ना पिया, रोए जा रही है बस। अरे क्या बताऊं शरीफन, अपने पैसे डूबने की खबर सुन के मेरा तो दिमाग ही शल हो गया था, कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया। अच्छा चलिए, मैं आपको जैद से मिलवाती हूँ, आपने तो उसे सही से देखा भी नहीं। कौन जैद? हाँ? हाँ, जैद शेख साहेब, सलमान और जहान का बेटा। अरे नहीं नहीं भाई, उसे रहने दो। नहीं? अरे बड़ा ही मनहूस बच्चा है भाई वो तो, अभी पहली बार उसे गोद में लिया था तो इतनी बुरी खबर सुननी पड़ी थी, अब फिर उसे गोद में लूंगा तो पता नहीं क्या क्या नुकसान बर्दाश्त करने पड़ेंगे। भाई माफ कर दो मुझे। अच्छा चलिए अंदर तो चलिए। लेकिन उस बच्चे से नहीं मिलूंगा मैं। अच्छा चलिए शेख साहेब, ये मोबाइल तो लीजिए, लड़कियों के फोन किस पे सुनेंगे आप? जन्म कुंडली बदलवाने ना उस मनहूस की। मैं किसी सूरत में जहां आरा को तलाक नहीं दूंगा। आखिर उस औरत में ऐसा क्या है सलमान जो तुम्हें उसके सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा? बेटा दिया उसने मुझे, जो मुझे अपनी बीवी नहीं दे सकी इतने सालों में। तू इतनी सी बात क्यों नहीं समझता कि ये इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है यार, जिसे चाहे बेटी की और बेटे की नेमत से नवाजता है। अगर मेरे नसीब में बेटियां ही थी तो जहां आरा से बेटा कैसे हो गया, ये भी तो अल्लाह ही नहीं दिया। ये बात तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पहले से बेटा है। थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को मेरी जगह रख के देखो, तब मेरी असीयत का अंदाजा होगा तुम्हें। अभी भी तुम शायद कुदरत का इशारा नहीं समझ रहे। एक बेटे की चाहत में तुमने अल्लाह ताला को इतना नाराज कर दिया है कि आज पाई पाई का मोहताज हो गए। अगर तुम पहले वाले सलमान होते ना तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन अब सोचना दूंगा और बेहतर होगा कि आज के बाद यहां आकर मेरा वक्त बर्बाद न कर। शेख साहब प्लीज, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। कितना वक्त भाई, अब तुम्हारे घर के आंगन में नोटों का पेड़ तो है नहीं जो तुम उनके उगने का इंतजार कर रहे हो। इतनी बड़ी रकम है, मुझे तो अब नहीं लगता कि तुम अदा कर पाओगे। तो भैया बेहतर यही है कि तुम ये घर खाली करके चले जाओ। नहीं नहीं शेख साहब, घर खाली ना कराए इनसे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मुझे खुद को बेचना भी पड़ गया तो बेच दूंगा, मगर आपके सारे पैसे लाके आपको दूंगा। मैं जानता हूं सलमान कि तुम्हारी बिल्कुल भी नियत नहीं है मेरा पैसा खाने की। देखो अगर छोटी बड़ी रकम होती ना तो मैं वैसे ही जाने देता यार, लेकिन 1.5 करोड़। आय शेख साहब, कोई तो सूरत होगी ना लिल्ला। हाँ एक रास्ता है शरीफन, अगर सलमान मान जाए तो। हाँ हाँ तो बताइए ना क्या क्या रास्ता है। अगर तुम मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो तो मैं सारे पैसे माफ कर दूँ। रमशा इधर आओ, इधर आओ, चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? कहीं भी लेके जाओ, मेरी मर्जी है, बाप हूँ इसका। तुझे आज ख्याल आया कि तू इसका बाप है? इससे पहले कहाँ था? अरे अम्मा कभी कभी खामोश भी रहना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, हर बात में दखल नहीं देना चाहिए। चलो। नहीं, कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसको मेरे हवाले करो। नहीं, मैं मुंह तोड़ दूंगा। नहीं, नहीं, अरे क्यों लेकर जा रहे थे? मंगनी कर रहा हूँ इसकी। पागल हो गया आपको बेटा? हाँ पागल हो गया हूँ, और पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। आपसे बचने का यही रास्ता है, छोड़ो इसको। छोड़ो मेरी बच्ची को। सलमान, अरे सलमान बस, सलमान इधर आओ, इधर आओ। मैं
मैं इसको तैयार करके लाती हूँ। अरे नैनी अब बात सुनो, इसकी जरूरत नहीं अब। आए हाय क्यों जरूरत नहीं है भाई, जा जहान तू तैयार करके ला इसे। हाँ। जा चलो 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 आंटी मुझे छू रहे चलो छू रहे मुझे छू रहे आंटी अभी बताती मुझे मम्मा के पास जाने आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे मम्मा के पास जाने चलो चलो मुझे अपने मम्मा के पास जाना रमशा रमशा कहाँ है रमशा कहाँ है अरे चुप कर जा बीबी क्या हो गया लगता है जैसे सारे जहान का दर्द तेरे अकेली के सीने में समाया हुआ है आए अगर तेरी बच्ची है तो सलमान की भी तो बच्ची है वो ये ड्रामेबाजी बंद करो वरना तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को जान से मार दूंगा रमशा कहाँ है अरे सलमान रहने दे कैसे हो सकता है कि इसकी बेटी की रस्म हो और ये शामिल ना हो ये तो सरासर ज्यादती होगी ना लो लगे हाथों दामाद से मिल लो अपने अल्लाह झूठ ना बुलवाए पर नेकों में नेक दामाद पाए अल्लाह नजरे बद से बचाए आमीन तो बोल दो भी आए सलमान बेटा मिठाई का तो पता कर और मैं जरा जहान और रमशा को देखूं कहां रहेगी लड़कियां तैयार होने के ये नहीं कर सकते हम इतनी बच्ची है वो खुदा का खौफ खाया मैंने कहा था ना शेख ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं छोटी बच्ची है वो रहम खाए उस पर मैं अभी कौन सा उससे निकाह कर रहा हूं वो तो रमशा के बालिग होने के बाद ही होगा अभी तो सिर्फ एक रस्म बनानी चाहिए अगर आप हां कर दें तो मैं आपकी बेटी को बख्श देता हूं आप हम पे रहम करें हम आपकी बेटी पे रहम करेंगे अगर आप शादी के लिए हां कर दें तो मैं रमशा को बख्श दूं और बोनस में ये घर आपके नाम जल्दी सोचिए टाइम नहीं है शामिल मुखाला ये क्या कह रही हैं खाला आप सलमान ऐसा कैसे कर सकता है अरे वो फरून बन गया है मेरी रमशा को बचा लो वो उस पे ज़ूम कर रहा है बचा लो मेरी रमशा को खाला फिक्र मत करिए मैं अभी आ रहा हूं अरे नहीं जहान क्या कर अच्छा खासा मुझे खराब कर दिया चल चल अरे अरे हट सलमान बेटो सलमान बेटो चल हाँ 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 छोड़ो छोड़ो आप परेशान नहीं हो इमरान अभी पुलिस से क्या दरवाजा खोलो ये लो भाई सलमान शेर साहब आप
आप सचमुच फरिश्ता हैं। बहुत शुक्रिया। अरे क्यों मुझ गुनाहगार को मजीद गुनाहगार कर, जब तुमने अपनी जबान का पास रखा है तो मैं अपना वादा कैसे भूल जाता। सलमान बेटा, अरे ला मैं संभाल के रख देती हूँ। अरे जहां रहा बेटा वो चाबियां तो दे मुझे। अच्छा